फाइनली दोस्तों इन्फिनिक्स ने उसका ब्रांड न्यू स्मार्टफोन इन्फिनिक्स S4 लॉन्च कर दिया। दोस्तों ये स्मार्टफोन पहला स्मार्टफोन है आपको 10,000 रुपीज के अंदर देखने को मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा, उसी के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जो दोस्तों अभी तक कोई भी स्मार्टफोन कंपनी ने नहीं प्रेजेंट करा वो प्रेजेंट कर दिया दोस्तों इन्फिनिक्स ने। लेकिन दोस्तों हर स्मार्टफोन के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रहता है। अगर आप सोच रहे हो इन्फिनिक्स S4 बाय करने के लिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा इन्फिनिक्स S4 के अंदर क्या खास कमियां देखने को मिलेगा, जो गलती इन्फिनिक्स को नहीं करना चाहिए। दोस्तों क्या क्या कमियां देखने को मिलेगा और जानने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल बाबा संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बीच में वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कह रहे थे दोस्तों, इन्फिनिक्स S4 उसका प्राइस का सबसे बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों हर स्मार्टफोन के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो कमियां देखने को मिलेगा, अगर आप उस कमियां को कोऑपरेट कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स S4। दोस्तों पहला जो कमियां देखने को मिलेगा जो है दोस्तों इसका बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन। दोस्तों ये स्मार्टफोन के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन देखने को मिलेगा वो है दोस्तों बहुत बढ़िया, लेकिन दोस्तों इसका जो बॉडी आपको देखने को मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले इन्फिनिक्स का एक स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस को मैंने यूज करा, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैक कवर नहीं चढ़ाया तो आपको यहाँ पे बहुत सारा क्रैशेस देखने को मिला था। दोस्तों सेम डिजाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अगर आपका प्यारा इन्फिनिक्स S4 को बैक कवर नहीं चढ़ा कर यूज करोगे तो बहुत कम समय के अंदर आपको बहुत सारा क्रैशेस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मेरे सजेशन ये है, अगर आप इन्फिनिक्स S4 बाय करोगे तो आपको बैक कवर यूज करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा जो कमियां देखने को मिलेगा वो है दोस्तों यहाँ पे आपको LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन का जो प्राइस देखने को मिलेगा उसी प्राइस के अंदर बहुत सारा स्मार्टफोन कंपनी ने प्रेजेंट कर रहा है LED नोटिफिकेशन लाइट। दोस्तों यहाँ पे इन्फिनिक्स ने उसका इन्फिनिक्स S4 के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा LED नोटिफिकेशन लाइट। अगर आपके लिए LED नोटिफिकेशन लाइट मायना नहीं रखता है तो दोस्तों आपके लिए बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है इन्फिनिक्स S4। दोस्तों यहाँ पे मेरे लिए तो LED नोटिफिकेशन लाइट बहुत मायना रखता है, क्या आपके लिए LED नोटिफिकेशन लाइट मायना रखता है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। दोस्तों इसके बाद जो कमियां देखने को मिलेगा जो है दोस्तों इसका प्रोसेसर। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा स्मार्टफोन कंपनी बहुत कम प्राइस के अंदर, क्योंकि 9000 रुपीज के अंदर दे रहा है स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का 660, उसी के साथ साथ यहाँ पे दे रहा है हीलियम मीडियाटेक का P70 चिपसेट। दोस्तों यहाँ पे इन्फिनिक्स S4 के अंदर आपको देखने को मिलेगा P22 प्रोसेसर, जो प्रोसेसर 6000 रुपीज के अंदर रियलमी ने प्रेजेंट कर रहा है वो प्रेजेंट कर रहा है दोस्तों इन्फिनिक्स S4 ने। तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा फोन आ रहा है 9000 रुपीज के अंदर, तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया कमियां है आपके लिए। आप यहां पे कमेंट करके जरूर बताना क्या आप खुश हो हीलियम मीडियाटेक का P22 के साथ। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। दोस्तों इसके बाद जो बहुत बढ़िया कमियां देखने को मिलेगा जो दोस्तों फेक 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। दोस्तों इन्फिनिक्स S4 के अंदर जो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा वो दोस्तों नाम का 32 मेगापिक्सल है, काम का सिर्फ 8 मेगापिक्सल है। क्योंकि दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैंने Redmi Y3 का रिव्यू डाला, उसके अंदर जो 32 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा दोस्तों फेक 32 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। सेम दोस्तों आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, पिक्सल बैंडिंग करके आपको 32 मेगापिक्सल दे रहा है, एक्चुअल सेंसर जो देखने को मिलेगा 8 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों ये आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों ये था कुछ मेजर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा इन्फिनिक्स S4 के अंदर। अगर आप इस मेजर प्रॉब्लम को कोऑपरेट कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है दोस्तों इन्फिनिक्स S4। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों क्या आप इस मेजर प्रॉब्लम को कोऑपरेट कर सकते हो, हाँ कि नहीं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सबका राय अलग अलग होता है। उम्मीद करता दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, उम्मीद करता दोस्तों मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसी चैनल में इसी तरह का वीडियो एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की अपडेट लाता रहता हूँ सबसे पहले आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।